हेलो एजी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिससे रीजनिंग जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, रेलवे का एग्जाम हो, सभी जगह पे जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ कैलेंडर से कम एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कैलेंडर में एक चीज और है, हम इस टॉपिक में बिल्कुल बेसिक से कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, मतलब इसके कंप्लीट क्वेश्चन जो जो प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं ना पूरे देखेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए ध्यान से समझना, साधारण वर्ष, देखिए वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, वो वर्ष जिसमें नॉर्मली हम जानते हैं 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में, वो दिन कौन सा होता है, वो दिन होता है 29 फरवरी। तो ये बेसिक आपको समझना है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और वो वर्ष कौन सा होता है, एक दिन वो एक दिन कौन सा होता है जो एक्स्ट्रा होता है, वो है 29 फरवरी। अब यहाँ एक चीज है कि कौन सा वर्ष आखिर लीप वर्ष होगा, तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जिस भी वर्ष में चार का यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो वर्ष कहलाता है लीप वर्ष, और जिस वर्ष में यदि चार का भाग नहीं जाएगा तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे कि हम बात करें कि अब 2019, 2019 कौन सा वर्ष है, 2019 को हम चार से भाग देके देखते हैं, चार एकम चार, चार चौके 16, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। यानी इस साधारण 2019 में कितने दिन हुए हैं, 365 दिन है। वहीं हम बात करें लीप वर्ष की, तो 2020 में हम चार का भाग देके देखते हैं, चार एकम चार, चार पंचे 20, 0, चार पंचे 20, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि 2020 कौन सा वर्ष हुआ, लीप वर्ष हुआ। यहाँ पे यानी 366 दिन होंगे और कौन सा एक्स्ट्रा दिन होगा, वो होगा 29 फरवरी। चलिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए साधारण वर्ष में है 365 दिन और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, है ना। यदि शुक्रवार से हम यदि कैलकुलेट करें तो शुक्रवार से लेकर वापस गुरुवार तक 7 दिन होंगे। अब 7 दिन होंगे तो 7 को हम डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 52, और 52 सप्ताह और एक दिन शेष आएगा, तो 7 × 35 और 7 × 2 = 14, 52 सप्ताह और एक दिन शेष आता है। तो 52 सप्ताह की बात करें हम, शुक्रवार से चालू होगा और शुक्रवार को खत्म होगा 52 सप्ताह तक, लेकिन यहाँ एक दिन शेष बच जाता है, तो एक दिन शेष जो बच जाता है तो अगला दिन फिर कौन सा आएगा, शुक्रवार आएगा। यानी कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, शुक्रवार ही होगा। ऐसे ही यदि आपसे पूछता है यदि किसी वर्ष का लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पे बात आ रही है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, यानी एक वर्ष एक दिन एक्स्ट्रा होता है, कौन सा, 29 फरवरी का। तो यदि लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, तो इसको भी आप 7 से भाग दे दीजिए क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 52 सप्ताह और 2 दिन, तो 2 दिन है, तो 2 दिन के हैं तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार से गुरुवार तक एक हफ्ते होते हैं, तो ये आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो पहला हो गया शुक्रवार और अगले दिन हो गया शनिवार। तो यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, शनिवार आपका राइट आंसर हुआ। साधारण वर्ष क्या होता है जिसमें नॉर्मली 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष क्या होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, और कौन सा वर्ष साधारण या कौन सा लीप वर्ष है कैसे पहचानेंगे, तो हम चार से भाग देके देखते हैं, यानी हर 4 साल बाद आपका लीप वर्ष आता है। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट में हमें समझना क्या है कि एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष।
शताब्दी वर्ष तो आप समझते हैं कि जैसे कि 2000 सन ये कौन सा शताब्दी वर्ष है ना, ये 3000 शताब्दी वर्ष है, 4000 है ना, 1500, 1600, ये क्या है, जहां जी डबल जीरो लगे ना वो क्या है, शताब्दी वर्ष। अब एक साधारण शताब्दी वर्ष है और एक लीप शताब्दी वर्ष है, अब इनको कैसे पहचानेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट है। साधारण शताब्दी वर्ष क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष में यदि आप मान लीजिए क्या है, 2000 है, सन 2000 है, इसको यदि आप 4 से भाग नहीं देना है, इसको भाग देना है आपको 400 से, यदि 400 से भाग देते हैं इसको और पूरा पूरा भाग चला जाता है तो दो ये कौन सा वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। और वहीं पे यदि आप मान लीजिए कि आप लेते हैं 1400, इसको आप यदि भाग दे के देखते हैं 400 से, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी की बात हो रही है तो हम दो जीरो आपको लगाना है, यदि इससे भाग दे के देखते हैं ये 0 0 और ये 4 भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो ये कौन सा वर्ष कहला गया, 1400, साधारण शताब्दी वर्ष कहला गया। वहीं 2000 में पूरा भाग चला जाता है 400 से, तो ये कौन सा कहलाया, लीप शताब्दी वर्ष कहलाया। यानी 400 से यदि पूरा भाग चला जाए तो लीप शताब्दी वर्ष है, यदि 400 से पूरा भाग नहीं जा रहा है तो साधारण शताब्दी वर्ष है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं, जैसे 1997, 2007, 2013। वहीं लीप वर्ष क्या है, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं, जैसे 2004 हुआ, 2016 हुआ है ना, 2020 हुआ। वहीं बात करें हम साधारण शताब्दी वर्ष की, तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, जैसे कि 1800, 1800 को आप 400 से भाग दे के देखिए, 4 से भाग, 4 चौक 16, 2 शेष बच जा रहा है, तो 400 से विभक्त नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। वहीं लीप शताब्दी वर्ष की बात करें, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभक्त हो जाते हैं लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, जैसे 1600 की बात करें आप 400 से भाग दे के देखिए पूरी तरीके से चले जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। एक चीज याद रखना, साधारण जो शताब्दी वर्ष है वो 4 से तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा लेकिन 400 से नहीं जाएगा, तो जब भी आप साधारण शताब्दी वर्ष को चेक करेंगे तो वो 400 से चेक करना है, ना कि 4 से चेक करना है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 29 फरवरी 1396 को यदि किसी व्यक्ति का बर्थडे पड़ता है, 29 फरवरी 1396 को, तो उसका अगला बर्थडे कब आएगा, तो उसका अगला बर्थडे कब आएगा ये निकालना है, तो कब आएगा, जब अगली बार लीप वर्ष पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो 4 साल बाद लीप वर्ष आता है तो अधिकांश लोग आप लोग क्या किए होंगे, 1396 में 4 जोड़ेंगे तो ये 1400 को कहेंगे कि सर 29 फरवरी 1400 को उसका अगला बर्थडे आ जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, साधारण वो लीप वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष को चेक करना है लीप शताब्दी वर्ष या साधारण शताब्दी वर्ष, तो मैंने क्या बताया था कि इसको आपको 400 से चेक करना है, तो 0 से 0 काटे पूरी तरह नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा है, साधारण शताब्दी वर्ष। और साधारण शताब्दी वर्ष में क्या 29 फरवरी आएगी, नहीं आएगी, तो उसका अगला बर्थडे कब आएगा, 4 साल बाद नहीं आएगा, यानी 1400 को नहीं आएगा, तो कब आएगा, जब लीप वर्ष पड़ेगा, और लीप वर्ष कब पड़ेगा, 1404 को पड़ेगा, यानी 8 साल बाद। ये है क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष कौन सा होता है जिसमें 4 से भाग चला जाता है, तो ऑप्शंस देखते हैं, 2008 में 4 से क्या भाग जाता है, हाँ 4 से भाग चला जाएगा, 2004 में चला जाएगा, 2008 में चला जाएगा, 2000 है, जब देखिए 2000 ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में या तो लीप शताब्दी वर्ष होता है या साधारण शताब्दी वर्ष होता है, इसको हमें 400 से भाग देके देखना पड़ेगा। अगला ऑप्शंस देखते हैं, 1996 4 से भाग दे के देखते हैं, 4 चौके 16 होता है, 4 नियम 36, 3 4 नियम 36, ये भी चौथा ऑप्शंस भी 4 से भाग चला जाता है, मतलब ये 2008 लीप वर्ष है, 2004 लीप वर्ष है, 1996 भी लीप वर्ष है, 2000 लीप वर्ष नहीं है बल्कि ये लीप शताब्दी वर्ष है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का राइट आंसर।
लिए और भी क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1 जनवरी 1997 को यदि शुक्रवार है तो 1 जनवरी 1998 का कौन सा दिन होगा। देखिए एक चीज था, एक साल में होते हैं 365 दिन, आप उस हिसाब से यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है ना आपको, तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है ना, 15 20 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो उसी के लिए तो हम ये वीडियो बनाए हैं कि आपका टाइम बचाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए जब भी क्वेश्चन में महीने सेम हो ना, तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। मैं जो मेथड अभी बता रहा हूँ वो है टाइप 1 के क्वेश्चन, जिसमें महीने सेम होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जहां महीने सेम नहीं है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, महीने सेम है, इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये लिखिए आप, उसके बाद आपको क्या करना है कि बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को घटाना है। बड़े वाला साल में से छोटे वाले साल को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1998 में से 1997 घटाएंगे तो 1 दिन बच रहा है, जनवरी से जनवरी खत्म हो गया। अब यहाँ कुछ बच रहा है क्या, 1 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0, यानी कि क्या बच रहा है, +1 दिन शेष बच रहा है। अब +1 दिन शेष बच रहा है तो 1997 है को शुक्रवार है, शुक्रवार में 1 दिन प्लस करोगे तो क्या आएगा, शनिवार। यानी कि देखिए कितना आसान है ना, यहां 1 दिन निकाले आपने तो शुक्रवार के बाद प्लस करेंगे 1 दिन कौन सा आएगा, शनिवार, क्या आपका आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपका। चलिए एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चंस हैं जहां महीने सेम हैं, और महीने सेम है तो मैंने क्या बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को घटाना है। तो बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को घटाइए, 1973 में से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 दिन। इसके बाद जनवरी से जनवरी कैंसिल और दिन घटाइए तो यहाँ 0। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इन दोनों सालों के बीच कहीं 29 फरवरी तो नहीं आ रही है, यानी एक्स्ट्रा दिन तो नहीं आ रहा। देखिए 1972, 1972 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, 4 से आप चेक करके देख लीजिए इसको, लीप वर्ष है। तो 29 फरवरी जब लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 29 फरवरी भी आती है, तो यानी 1 दिन एक्स्ट्रा आता है। अब 1 जनवरी के बाद ही आती है ना 29 फरवरी, तो 1 दिन आप और कैलकुलेट कर लीजिए उसका, ये टोटल होगा कितने, 2 दिन हो गए। अब मंगलवार के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 2 दिन मंगलवार के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से, बुधवार और गुरुवार, ये आपका आंसर आ गया, आसान है ना। तो इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, बस यही आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है, तो आपको बिल्कुल कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चंस कह रहा है 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। महीने सेम है, आपको वही मेथड लगानी है, क्या करना है, बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को घटाइए, 2010 में से 2003 घटाइए, 10 में से 3 घटाए क्या, 7 दिन घटा के देखिए क्या है, 0 आया है, कोई नहीं है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि इन दोनों डेट के बीच 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो कितनी बार आती है, एक तो आएगी 2004 में आएगी, क्योंकि ये 4 से पूरा चले जाएगा, एक आएगी 2008 में आएगी 29 फरवरी, दो बार ही आएगी ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए 29 फरवरी के, तो टोटल दिन कितने हो गए, 9, लेकिन एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं है ना, सोमवार से लेके 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन और कैलकुलेट कर लीजिए आप, या फिर आप 7 से भाग दे दीजिए इसको, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं ना, 7 से जब भाग दे देंगे तो 7 एकम 7, तो 2 दिन शेष बच गए, तो दो ये जो 2 दिन है ना वही आपका आंसर आएगा। कैसे, सोमवार के बाद 2 दिन कितने हुए, मंगल बुध, तो ये आंसर आपके यहाँ क्या आ गया, बुधवार आ गया, आसानी से, बस सेम ट्रिक अप्लाई करनी है, प्रैक्टिस करिए आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डेट डिफरेंस है, लेकिन मैंने कहा था कि महीने सेम हो ना तो ट्रिक वही लगानी है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोला है, 22 जुलाई 2006 को कौन सा दिन था, है ना, क्वेश्चन क्या बोला है, 22 जुलाई 2006 को कौन सा दिन था यदि 17 जुलाई 2016 को मंगलवार है। देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि बाद वाले का दिन दिया हुआ है आपसे, पहले वाले का दिन पूछ लिया है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। क्या करना है, बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को घटाना है, तो 16 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। उसके बाद क्या करना है, 22 जुलाई 17 जुलाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। 17 बड़े वाले में से छोटे वाले को बोला हूं मैं, तो बड़ा वाला कौन सा, 2016। अब 17 में से 22 जाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन क्या प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, -5 में रहेगा। क्यों रहेगा -5, मैंने बोला बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को हमेशा घटाना है, तो 17 है, 17 में से 22 घटाना है तो -5 आएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए इसमें। उसके बाद मैंने एक और कैच बताया था आपको कि इन दोनों डेट के बीच कितनी बार 29 फरवरी आ रही है, तो चेक कर लीजिए, दो एक आएगी 2008 में और एक आएगी 2012 में, कि 2016 में भी आएगी क्या, जुलाई की बात हो रही है ना, 29 फरवरी तो फरवरी के महीने में आ जाती है, तो क्या 2016 में भी कैलकुलेट होगी, हाँ 2016 में भी आएगी, फरवरी के बाद ही जुलाई आती है, तो कितनी बार आ रही है 29 फरवरी, 3 बार आ रही है, तो यहाँ 3 जोड़ दीजिए, तो ये 10 3 13, और 13 में से फिर -5 करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना आपका, 7, सॉरी 8, है ना, 8 आ जाएगा। अब 7 से 1 दिन ज्यादा है तो आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 से कम 7, 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1 दिन है मंगलवार, मंगलवार 1 दिन एक्स्ट्रा। अब चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, देखिए पहले वाले साल का दिन दिया रहता था, बाद वाले का पूछता था, तो हम क्या करते थे, 1 दिन प्लस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले का पूछ लिया है तो 1 दिन माइनस कर दीजिए, तो मंगलवार में 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार आपका आंसर आ गया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 1 2 सेकंड में आंसर निकल आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 12 जून 2000 को मंगलवार है तो 2 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर सॉल्व करते हैं हम। देखिए महीना सेम है, सेम ट्रिक लगानी है हमें, बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को घटाइए, तो 2006 में से 2000 घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद 2 जून से 12 जून का डिफरेंस निकालना है, तो बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल के दिन घटाना है, तो 2 में से 12 क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो क्या 2000 को 29 फरवरी आएगी, चूंकि 2 जून की बात हो रही है तो फरवरी तो निकल चुका है, इसमें तो आएगी नहीं, एक आएगा 2004 में बस, है ना, तो 1 दिन ये प्लस कर लिए, तो ये हो गए 7, तो -10 और +7 में आपका आ गया है -3। -3 यदि हम करेंगे, अब कैसे निकालेंगे इसको, तो हम क्या करते थे कि कोई भी डेट दी हुई है उसमें प्लस करना है 3, तो आप मंगलवार में प्लस करिए कितना, 3 करना है, +3 नहीं करना है, प्लस क्या करना है, -3 करना है, तो प्लस माइनस क्या, माइनस, तो मंगलवार से 3 आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो मंगलवार से 3 आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 घटाएंगे तो सोमवार आएगा, 2 घटाएंगे तो रविवार आएगा, और 3 घटाएंगे तो शनिवार आएगा, तो ये आपका क्या, कौन सा दिन आ गया, शनिवार आ गया, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अभी तक हमने देखा कि जिसमें महीने सेम होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे 1 सेकंड में हल कर लेते हैं 1 2 सेकंड के अंतर्गत। अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइप 2, जिसमें आपके महीने अलग रहेंगे। उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, आपको एक बार मैं याद दिला देता हूं कि किस महीने में कौन से कितने दिन होते हैं, है ना, तो एक बार देख लेते हैं। फरवरी में मैंने बताया था 28 की होती है या तो फिर 29 की होती है, यदि लीप वर्ष है तो 29 की होगी, और लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी 28 की होगी। जनवरी 31 की होती है, आप एक दिन एक महीने छोड़िए तो उसके अगला महीना होता है 31 का, यानी मार्च 31 का है, फिर एक महीने छोड़ दीजिए मई 31 की है, फिर एक महीने जून छोड़ते हैं तो जुलाई 31 की होती है, उसके बाद छठवें महीना है जुलाई, उसके अगला महीना जो अगस्त होता है सातवां वो भी 31 का होता है, फिर एक महीना आप छोड़ते हैं अक्टूबर तो 31, फिर एक महीना नवंबर छोड़ते हैं दिसंबर को 31 का होता है, बाकी जितने भी दिन बचते हैं वो होते हैं 30 का, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 22 फरवरी 2007 को शनिवार है तो 24 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है कि महीना अलग अलग है,
महीना अलग है, लेकिन क्या है ये टाइप सेकंड है, लेकिन आपको ट्रिक वही लगानी है पहले वाली। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, 22 फरवरी 2007 को शनिवार है तो 24 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन है पूछा है, तो आप क्या लीजिए 22 फरवरी 2007 है ये, आप 22 फरवरी लीजिए 2007 से आप 22 फरवरी 2008 तक की डेट निकाल लीजिए। कौन सी मेथड लग जाएगी अब यहां पे, जो मैंने आपको पहले बताया था है ना, जब मैंने सेम हो वाली, मैंने सेम हो, हम क्या करते हैं बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल को घटाते हैं, तो 8 में से 7 गए कितना आ जाएगा 1। अब देखना है यहाँ पे क्या इन दोनों सालों के बीच 29 फरवरी आती है, तो 7 में तो आएगी नहीं क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। 2008 में 29 फरवरी आती है क्योंकि ये लीप वर्ष है, लेकिन हम कैलकुलेट कहाँ तक कर रहे हैं, 22 फरवरी तक कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे 29 फरवरी आएगी, नहीं आएगी, तो इसको कैलकुलेट हमें नहीं करना है, मतलब एक दिन शेष। अब आपको क्या करना है कि 22 फरवरी 2008, ये 22 फरवरी 2008 से 24 अप्रैल, जहां तक क्वेश्चन पूछा है 24 अप्रैल 2008 तक के जो दिन है वो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, गिन के कैलकुलेट कर लीजिए, आसान है। देखिए कैसे, फरवरी 2008 कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है क्योंकि ये लीप वर्ष है, तो 29 में से आप 22 को घटा दीजिए, 22 दिन घटा दीजिए, तो बचेंगे फरवरी में कितने दिन, बचे फरवरी में बचेंगे 7 दिन। मैंने बोला था जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 या 29 की होती है, एक दिन एक महीने छोड़िए मार्च, तो मार्च कितने का होगा 31 का, और मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के हमें कितने दिन कैलकुलेट करना है 24 दिन, क्योंकि 24 अप्रैल तक कैलकुलेट करना है, तो अप्रैल के ये 24 दिन टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गए 62 दिन, और एक दिन यहाँ का जो बचा है, ये जो अपन एक्स्ट्रा बचा है, तो एक दिन ये हो गया, टोटल हो गए 63 दिन। इस 63 दिन को अब ये 7 से ज्यादा बड़ी हो गई, तो इसको क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा 7 नाम 63, रिमाइंडर क्या बचा यानी 0। अब 0 बचा यानी कि शेष कुछ नहीं बचा है, तो इसमें अपन प्लस क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी शनिवार कब था, 22 फरवरी 2007 को शनिवार था, तो 24 अप्रैल 2008 को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, चेक कर लेना भाई, शनिवार ही आएगा आपका आंसर। तो देखिए वही ट्रिक है, सेम बिल्कुल आसान है ना, आप और भी क्वेश्चंस अपने तरफ से हल करिए, और जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में पूछिए। चलिए अब तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे, आपको क्या करेगा, कोई भी एक डेट दी रहेगी और आपसे पूछेगा कि उस दिन कौन सा था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त को भाई हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे, इस दिन पूछ रहा है कि कौन सा दिन था, इस दिन था शुक्रवार, मैं आपको बता देता हूँ इस दिन था शुक्रवार, लेकिन आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो आपको चलो ठीक है मैंने बता दिया इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक इसका कैलेंडर का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको क्या करना है, कुछ कोड याद करने हैं इस प्रकार के, जब भी क्वेश्चन जब आपको डेट दी रही और आपसे पूछे कि इस दिन कौन सा दिन था, उसके लिए आपको एक कोड याद करना पड़ेगा। कोड क्या है, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन का जो कोड याद करना है, रविवार से कैलकुलेट करना है आपको, रविवार का कोड है 0, रविवार से दिन कैलकुलेट करना है, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, हर दिन एक बदलता जाएगा, रविवार को है 0, सोमवार को 1, मंगल का कोड है 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 4, अल्टरनेट चलना है भाई यहाँ पे। वही महीने की कोड की बात करें तो महीने का कोड जनवरी और अक्टूबर का कोड है 0, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आसानी से याद रहेगा क्योंकि एक दिन अल्टरनेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, जनवरी और अक्टूबर का कोड है 0, मई का कोड है 1, अगस्त का कोड है 2, फरवरी मार्च और नवंबर, ये 3 महीने का कोड है 3, फरवरी मार्च और नवंबर, जून का कोड है 4, दिसंबर और सितंबर, इन 2 महीने दिसंबर सितंबर का कोड क्या है 5, और जुलाई अप्रैल का कोड है 6, तो ये आपको याद करना है ना, ये आपने याद कर लिया, समझ लो आपको कोई भी दिनांक पूछ ले, कोई भी डेट दे दो और पूछे आपसे कि ये इस दिन कौन सा, इस डेट को कौन सा दिन था, आप आसानी से बता देंगे। यहाँ क्या पूछा है 15 अगस्त 1947, इसमें आप क्या करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ अप्लाई वैसे ही करना है। देखिए 15 अगस्त बोला है ना, ये 15 ले लीजिए,
उसके बाद आपको क्या करना है, अगस्त। अगस्त का कोड मैंने क्या बताया था आपको, दो। देख लीजिएगा भाई, अभी मैंने बताया था अगस्त का कोड बताया था दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो डेट दी हुई है आपकी सन 1947, तो आप उसको लिखिए 1947। 1947 में आपको माइनस करना है, 1900 से माइनस करना है आपको। हर बार आपको यही करना है कि जब भी इस तरीके की डेट दी रहे, कुछ भी डेट, तो आपको उसको 1900 से माइनस करना है। 1947 और 1900 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 47 आएगा। अब आपको देखना है कि इन 47 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, यानी कि लीप वर्ष आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो इसको आप क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, रिमाइंडर बजवाएगा 3। इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये कितना आया, 11, यानी 11 बार 29 फरवरी आती है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 11। इन सबको आप कैलकुलेट कीजिए, इन सबको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये आता है 75। 75 डे आते हैं, ये 7 से ज्यादा है, तो इसको आप क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए। इसको 7 से जब इसको आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 7 धाम होता है 70, तो ये 10 आ गए। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। 5 रिमाइंडर बच रहा है, और मैंने बताया था कि 5 काय का कोड है, 5 है शुक्रवार का कोड, 5 है शुक्रवार का कोड, तो ये कौन सा दिन आ गया, शुक्रवार आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। एक दो क्वेश्चन और हम हल करते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप आसानी से इसके आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस रहता है भाई, ये डेट तो आपको ऐसे भी याद रहनी चाहिए। चलिए लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं, बार बार एग्जाम में ये डेट भी पूछी जाती है, सेम वैसे ही हल करना है। मैंने क्या बताया था, दिन जो जिस तारीख दी हुई है, दिनांक दी हुई है, आप उसको लीजिए। प्लस में आपको क्या करना है, जो महीना है उसका कोड या लिखिए। जनवरी का कोड क्या था हमारा, 0 था। प्लस में आपको क्या करना है, जो भी सन दिया हुआ है उसको लिखिए। उसके बाद आपको इसको 1900 से माइनस करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ प्लस में आप इस जो 50 है, इस 50, 1950 में से 19 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। अब इन 50 सालों में आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी बार लीप वर्ष आता है, यानी 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो हर 4 साल में 29 फरवरी आती है, तो क्या करेंगे आप, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से जब 50 को भाग देते हैं तो 12 चौके 48 होता है। रिमाइंडर से अपन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपन लीप वर्ष चेक कर रहे हैं 4 साल बाद वाली। तो 12 बार 29 फरवरी आती है, तो 12 लिख लिए अपन ने यहाँ पे। इनको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, 26, 50 और 12 को, तो ये आपका आएगा 88। इस 88, ये 7 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो ये आ जाता है 12 सत्ते 84 होता है, और रिमाइंडर में आपका बचता है 4। और 4 कौन से दिन का है, तो रविवार का है 0, सोमवार का है 1, मंगल का है 2, बुधवार का है 3, और गुरुवार का है 4। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। 15 अगस्त को हमने क्या देखा, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार है। चेक कर लेना भाई कैलेंडर में आप। चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, 5 अप्रैल 19 चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, 5 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था। ये भाई आपको कैलकुलेट करना है, मैंने आपको मेथड बता दी है पहले कैसे करना है आपको। जितनी डेट दी हुई है वो लेना है, महीने का कोड लेना है, ये जो डेट दी हुई है उसको 1900 से माइनस करना है। उसके बाद उस बीच में कितनी, 29 फरवरी आती है, 29 फरवरी यानी लीप वर्ष 4 साल में आती है, उसको कैलकुलेट करना है। उन सबको जोड़ना है, उन सबको जोड़ने के बाद 7 से भाग देना है, और उससे जो कोड आएगा ना, उस कोड के सामने कौन सा दिन आया है, वो दिन इसका आंसर आएगा। तो ये आप मुझे निकाल के कमेंट में बताएंगे। तो ये था पूरा कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये वीडियो को आपने पूरी तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि कैलेंडर से आपको पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हमारा चैनल है ईजी एजुकेशन, इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाली अगली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।